चैम्बर तोड़े गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, ये बिना किसी सूचना के तोड़े गए हैं। और एक इस प्रकार की कार्रवाई है जैसे एक रात को डकैती का प्रकरण होता है कि कोई सूचना नहीं होती और आप एकदम आके अकस्मात हमला कर दें, ना सामान निकालें, सामान को सारे को खुर्दबुर्द कर दें, सारा नेस्त नाबूद कर दें, उस प्रकार की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। आप लोगों की तरफ से घेराव भी किया गया था जिला? आज हमने एक जिला प्रशासन के सारे कर्मचारियों को, मेनली जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है बार एसोसिएशन के माध्यम से कि ये जो भी कार्रवाई हुई है ये अवैध है, अवैधानिक है और इसे किसी भी तरीके से वैध घोषित नहीं किया जा सकता। ये हमारी मांग है कि ये चैम्बर पूर्ण रूप से दोबारा बनाए जाएं और जो हमारे सामानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई जिला प्रशासन करे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि DM महोदय ने एक कार्यकारिणी गठित की है जिसमें जिला जज साहब और बार के महोदय अध्यक्ष जी, सचिव साहब बैठेंगे और इसका निर्णय लिया जाएगा कि ये चैम्बर क्यों टूटे गए हैं, ये गलत तरीके से किया गया है या नहीं है। ये चैम्बर वाजब 3-4 साल पहले के बने हुए थे और रात को परसों 3 बजे के करीब प्रशासन ने बिना नोटिस बिना सूचना के बुलडोजर ला के ये चैम्बर तोड़ दिए। इसमें फाइल, सारा फर्नीचर, AC सब अवैध रूप से तोड़ दिया गया, किसी को कोई जानकारी या नोटिस नहीं दी गई। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये कहना है कि ये चैम्बर अवैध बने हुए थे जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। अवैध के लिए भी सूचना दी जाती है, पूरी कचहरी अवैध उसमें बनी हुई है, कोई नक्शा कोई बैनामा नहीं है किसी चैम्बर का। वकील को बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो कहीं तो बनाएगा, कोई अवैध नहीं, और भी निर्माण है अवैध पूरी कचहरी में, उनमें कहीं वो नहीं हुआ, ये पीछे किसी का रास्ता बाधित नहीं हो रहा। और हमें सूचना तो देते, अवैध भी था तो हमें नोटिस देते, उसके बाद करते, हम अपना सामान निकालते या उसका जवाब देते। गैर कानूनी रूप से गिराना कहाँ तक उचित है।